मध्य प्रदेश के खरगोन शहर के विद्युत विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ा एक युवक का मामला चिश्तिया नगर का है। रात को मकान में गेट लगाते समय अचानक गेट पर करंट आने से एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। किराए से रह रहा एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि साजिद पिता शब्बीर निवासी चिश्तिया नगर रात को बारिश होने से अपने मकान का दरवाजा लगाने के लिए गया। इस दौरान हाई टेंशन बिजली के तार हलने के कारण साजिद पिता शब्बीर की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किराए से रह रहे अफजल पिता गबरू को करंट लगने से घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। रहवासियों ने बताया कि हाई टेंशन लाइट लोगों के मकान के ऊपर और मकान से सिमट कर जा रही है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हुआ है। खरगोन से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। करंट भी लग गया है, जो स्ट्रीट लाइट डली हुई है, जो प्लाटों के बिल्कुल नजदीक से डाली हुई है, और अगर किसी को शिकायत करने जाते हैं, जैसे कमलेश भंडारी ने प्लाट काटे उसको शिकायत करने जाते हैं तो बोलता है MPB में जाओ, MP में शिकायत करते हैं तो बोलता है इंजीनियर से बात करो। तो ये पूरी स्ट्रीट लाइन है जितनी भी डली चिश्तिया नगर का, वो पूरी घरों से चिपक के डली है। वो जो ये हादसा हुआ वो उसी में हुआ है। कई लोगों ने, बेचारे गरीबों ने तारों को जो है मतलब लकड़ी से बाहर कर करके धक्के मार मार के दीवार के सहारे से रखे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जितनी भी सब मकानों से चिपक रही है और इसके कारण ये हादसा हुआ है। ये ऊपर गए थे, पानी बरसात हो रही थी तो बोले दरवाजा लगा देता हूँ, बोले पानी अंदर आ रहा है। ऊपर गए तो वहीं पर इनको करंट लगा दरवाजे के ऊपर, वहीं गिर पड़े इस पार से, और वहीं पर इनकी मृत्यु तो वहीं तो हो चुकी थी, लेकिन हम अस्पताल तक लाए थे इनको। ना ही 108 आई, ना ही विद्युत मंडल वाले कोई आए, सबको फोन लगाए थे लेकिन आया कोई नहीं। वहाँ घटना कितने बजे की रात की? घटना ये करीबन 10-10:30 बजे की समथिंग हुई थी, बरसात के टाइम पर हुई थी। तो करंट कैसे, क्या तार क्या मकान के ऊपर से है या साइड से? हाँ, पूरे मकान के ऊपर से है, दो ही लाइट गई है, नीचे वाली भी है और ऊपर हाई टेंशन लाइट भी है। तो इनको एकदम से खींचा, क्या करंट जैसा लगा वैसे गिर पड़े, वहीं पर इनकी मृत्यु। खरगोन में